सरा ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को ऐसा ऐसा रोटी ग्रुप में कन्वर्ट करने की तैयारियां जा रही है। सारा रोटी ग्रुप सराय जो है वो बहुत पक्के हैं, टीवी पे भी देखते हैं। आई थिंक एक एक बंदा मिस है, फखर जमान, बाकी रोटी गैंग जो है वो इकट्ठा हो गया, आगे हो गया। हारिस रोक को भी लाने के लिए कुछ हारिस रोक को भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हारिस रोक जो है वो अभी शहीन के अंडर खेल रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि सारा रोटी ग्रुप जो है ना उसको। रोटी ग्रुप में सबसे ज्यादा रोटी कौन खाता है? उसमें तो आपको मैं एक चीज बता दूं, मैं गुजरावाला से बिलोंग करता हूं, तो आपको समझ आना चाहिए। नहीं, वो गुजरावाला तो आपको समझ आना चाहिए। अच्छा जी, और वैसे भी फास्ट बॉलर की थोड़ी डाइट ज्यादा। मैं ये चाह रहा हूँ सर कि आप आज ये प्लान अनाउंस कर दें, क्या PSL में रोटी ग्रुप के नाम से कोई अलग फ्रेंचाइज तो नहीं आ रही? फिलहाल नहीं आ रही, लेकिन आगे के लिए ये अच्छा सही है। और ये खुशबुओं की दुनिया में कदम रखने के बारे में कैसे सोचा आपने? देखिए, यहाँ पे मैं थैंक यू करूँगा वंस अगेन हमानी ग्रुप का, जिन्होंने मुझे जो है ना इस आइडिया में मुझे गाइड किया और मुझे मौका दिया और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं कराची का ट्रैफिक? बिल्कुल, देखिए मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पे हूँ और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, जगह जगह में फंस रहे हम लोग। माशाल्लाह, ये तो जाहिर है कि किस्मत वालों को नसीब होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने नारे शारे तो नहीं लगाना शुरू कर दी किसी? नहीं, तो यहाँ कैसे पहुँचे? गाड़ी पे झंडा लहरा दिया था क्या? क्या नहीं, यहाँ पे बस पहुँच गए हम, कोई खुफिया रस्तों से जो हमारे थे दोस्त वो ले आए खुफिया रस्तों से। वाह, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े आपने, विकेट लेने के बाद अगले पे बाउंसर के दोस्त प्रे कर दे। आई थिंक मैं अपने ऊपर कर सकता हूँ विकेट लेने के बाद एक तो और इंशाल्लाह इससे मैं अभी आपसे पूछ रहा था, ये एक करियर की एक डिफरेंट इनिंग्स है, इंशाल्लाह इसमें भी लंबी इनिंग्स खेलेंगे राधा इंशाल्लाह। बिल्कुल, देखें ये थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत खुशी हो रही है और खुशी से ये है कि इसको लंबा लेके चले, जितना लंबा हम खेल सकेंगे उतना जो है वो हमें भी फायदा है, तो इंशाल्लाह कोशिश है इसको लंबा लेके चले। ये सर आ रहा है तो आप अपने दोस्त शादाब खान की क्यादत में खेलने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, देखें लास्ट ईयर भी उन्हीं की क्यादत में खेल रहे थे, इस साल भी खेलेंगे और बहुत अच्छी टीम है और अभी जो है वो हम प्रैक्टिस की जा रही है। और हसन भाई, आपका फ्रेग्रेंस लॉन्च हो गया और आपके फ्रेग्रेंस पे हमने आपको देखा है यू करते हुए, आप वो धमाका जो करते हैं विकेट लेने के बाद, कैसा लगा आपको अपना फ्रेग्रेंस? बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो हमानी ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी उनके साथ कोलाबरेट करके, और इंशाल्लाह वी आर वेरी होपिंग कि इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे और बहुत खुशी हो रही है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरे लिए, फर्स्ट टाइम कोई चीज़ जो है वो मेरे नाम से लॉन्च हो रही है और आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड। फ्रेग्रेंस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा आपका फ्रेग्रेंस। मैंने मुझसे जब पूछा यहाँ पे तो मैंने कहा मुझे हसन अली का फ्रेग्रेंस सबसे ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज लेदर है, वुडी है, बड़ा इसके अंदर मर्दानगी वाली फीलिंग है। आपकी अपनी क्या फीलिंग थी? पहले हमें सैंपल आए थे लेकिन उसके बाद वाइफ ने बोला कि वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट और कुछ अच्छी चीज होनी चाहिए, बट जितना क्रेडिट गोज टू माय वाइफ। क्या बात है जनाब, इस बात पे तालियां बनती है सारे सारे जो शादीशुदा हैं और जो नहीं है वो इबरत हासिल करें।